कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दो हफ्ते के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका में राहुल गांधी राजनीतिज्ञों, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और भारतीय मूल के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। मंगलवार सुबह राहुल गांधी ने बर्कले यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी का एक अलग ही अंदाज नजर आया। राहुल गांधी ने खुलकर कई मुद्दों पर बेबाकी से बात की। राहुल गांधी ने वंशवाद पर अपने विचार रखे तो घमंड को कांग्रेस के हारने का कारण बताया। लेकिन सबसे खास बात रही कि राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार की आलोचना करना। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कई निशाने साधे, नोटबंदी से लेकर हिंसा तक। राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से कश्मीर में हिंसा बढ़ी है। बीफ को लेकर भी राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा तो नोटबंदी को बिना सोचे समझे उठाया गया कदम बताया। 2014 के बाद राहुल गांधी की इमेज लगातार धूमिल हुई है। उनके समझ और उनके नॉलेज को लेकर उन्हें लगातार कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन राहुल पिछले 3 सालों में लगभग चुप ही रहे। राहुल अब बोले भी तो अमेरिका जाकर, तो उन पर भी सवाल उठने लाजमी है कि क्या वो विदेश में इंडिया की बुराई करके देश का अपमान नहीं कर रहे हैं। भारत के विकास पर कई देशों की नजर है और वो भारत की आलोचना करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी ने उन्हें एक और मौका नहीं दे दिया है? राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर यकीनन सरकार की आलोचना की जा सकती है, लेकिन ये मुद्दे कांग्रेस देशवासियों के सामने क्यों नहीं उठा रही? क्यों नहीं अपने देश में इन मुद्दों पर जनता से बात नहीं की जाती? अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उन्हें अपने देशवासियों के सामने ही रखना चाहिए, क्योंकि विदेश में जाकर देश के बारे में नकारात्मक बातें कहेंगे तो भले ही आप विदेशी मीडिया के हीरो बन जाए, लेकिन अपने देश का इससे नुकसान ही होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।